बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी और अल्लाह का करम है कि हम वैसे बिल्कुल ठीक है सब। वैसे हम हाँ, ठीक है ना। हाँ, और इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जो है ना सुबह सवेरे जब हम उठे तो बारिश शुरू हो गई। हाँ, तो माशाल्लाह से वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है ना दो तीन दिन तो मौसम अच्छा रहा है, खुश्क मौसम था और धूप निकलती रही है। और इसी दौरान हमने कपास की चुनाई भी दो दिन कराई है, लेकिन उसके बाद जो है ना आज सुबह सवेरे जब हम उठे तो एकदम से जो है ना बादल बने और बरसना शुरू कर दिया सुबह सवेरे सवेरे। तो अभी जो है ना सुबह सवेरे काफ़ी देर तक बारिश बरसती रही, फिर दिन को थोड़ा बारिश थम गई थी, लेकिन अभी जो है ना फिर शाम का वक्त होने वाला है तो बारिश शुरू हुई है काफ़ी देर पहले। और अभी आप देख रहे हैं पानी ऐसे जा रहा है बारिश का, और अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी देर तक बारिश बरसती रही है, लेकिन अभी जो है ना थोड़ी रुक गई है। अभी तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जानवर जो है ना ये बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि ना तो इसको जानवर अच्छे से घास खा सकते हैं और ना ही बेचारों का बैठने का कोई इंतज़ाम किया जा सकता है। पूरा दिन जो है ना जगह खुश्क हुई नहीं है ना इस वजह से। तो वो देखे सामने बकरियों को, छोटी बकरियों को जो है ना हमने बेचारियों को बांध दिया और बारिश में जो है ना वो उधर खड़ी हुई हैं, घास भी खा रही हैं और बारिश में नहा भी रही हैं। इस बार तो बारिशों की कोई हद ही हो गई है यकीन माने, क्योंकि तकरीबन आज 10-15 दिन हो चुके हैं बारिश शुरू हुए, तो 20 दिन आज होने वाले हैं, तो एक दिन या दो दिन वक्फा होता है फिर से बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ा सा खुश्का होने लगता है फिर से बारिश शुरू हो जाती है। और आज तो सुबह से बारिश शुरू हुई है, दिन में थोड़ा ही सा वक्फा हुआ है एक दो घंटे का, वो भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होती रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जानवरों का काम में भी और देहाती कामों में तो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होती है। अब जो है ना कपासें हर तरफ से खिल रही हुई हैं, कपास जो है ना वो अब ख़राब हो रही है, तो कोशिश हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी भी कपास है हर कोई ये कोशिश करता है कि उसको चुनवा लिया जाए। ये देखें कपास के पास आए हैं, ये देखें कपास की चुनाई, जो पहले दो दिन की हमने चुनाई कराई थी ना तो वो हमने बेच दी थी, क्योंकि हमें पता है कि बारिश की वजह से कपास जो है ना गीली है और रखने के लायक नहीं है। ये कपास जो है हमने चुनवाई है ना तो जो कल धूप निकली थी ना तो धूप में खिला के इसको खुश करके फिर कमरे में रखी है ताकि ये खराब ना हो जाए। दुआ यही कर रहे थे कि अल्लाह काम करे कुछ दिन जो है ना वक्फा मिल जाए बारिश का, तो सारी कपास भी चुना ली जाए और फिर जो है ना बाकी की रूटीन भी जैसे घर के काम भी होते हैं वो शुरू कराएंगे। तो लेकिन अभी जो है ना यही मुश्किल बनी है, तो इस साल जो बारिशों की हद हो चुकी है ना तो यकीन माने वाकई हद हो चुकी है। हाँ, तो अभी बस ये देखें सहन का क्या हाल हो चुका है, सुबह से बच्चे जो है ना भाग भाग के जो है ना पूरा सहन हसीब के काम है, पूरा सहन जो है ना ये सारा खराब कर दिया है। और ये देखें हमारे किचन का क्या हाल हो गया है, क्योंकि बारिश है पूरा दिन रुकी नहीं है, तो वहाँ जो है ना ऊपर से छापा डाला हुआ है, तो किचन के अंदर जो है ना जहाँ दो चूल्हे है ना तो वहाँ शुक्र है कि पानी नहीं होता, इसीलिए अभी जो है ना मैंने सालन बनने के लिए चूल्हे पर रख दिया। जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना लेंगे, बड़ी मुश्किल है, इतने तंग हो चुके हैं ना इस बार हम ना यकीन माने इतने ज्यादा तंग हम कभी भी नहीं हुए थे। सब्जी लेने भी नहीं जा सके, रास्ते सारे खराब हैं, क्योंकि इधर खराब थे, घर से निकलना मुश्किल हो गया, घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, पूरा दिन जो बारिश बरसती रही है ना इस वजह से। तो अभी इधर हमारा पक्की सड़कें नहीं है, इधर हमारे बाहर जो है ना काफी दूर दूर तक सड़कें जो है ना सारी कच्ची है, तो अभी चलते हैं आप लोगों को सड़कें दिखाते। हाँ, तो ये देखें क्या हालात हो चुके हैं सड़कों के, और जो है ना इतना कीचड़ बन चुका है कि मोटरसाइकिल जो है ना स्लिप होते पता ही नहीं चलता, तो बच्चों को सुबह से डर की वजह से मैंने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे हैं जल्दी जल्दी से मोटरसाइकिल चलाएं और फिर स्लिप हो जाए। तो एक बार अदनान गया था तो दिन में जब बारिश रुकी थी तो जो कुछ ज़रूरत के सामान थे वो ले आया था, फिर हाँ अभी जो है ना थोड़ी बारिश थमी है तो इस साइड से देखो एकदम से फिर गट उठ रही है, तो इतनी जोर की एकदम से गट उठती है और फिर जो है ना बारिश आ जाती है, फिर एकदम से साफ होता है, ऐसा ही पूरा दिन हमारा आज का जो गुजर गया। तो वैसे हम बाहर तो वैसे आए हुए चलें, आज आप मैं दिखाती हूँ अपनी कपास की फसल जिसका हाल जो है ना बुरा हो चुका है। अभी जो है ना ये देखिए ये कपास का हाल हो रहा है, अब अगर इसकी चुनाई ना की जाए तो फिर ऐसे सारी की सारी ऐसे जो है ना ये गिर जाएगी, फिर जब गिर जाएगी तो ये तो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी,
तो पूरी साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, 6 महीने की मेहनत। तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और कुछ जो है ना थोड़ी सी मोहलत 10-15 दिन की मिल जाए तो सब जितने भी यहाँ इलाके वाले हैं ना हर कोई अपनी अपनी कपास से चुगवा लेगा। वैसे ये मौसम कितने दिन रहने वाला है ये तो अब किसी को पता नहीं। तो भी बस अभी जो है ना हम छत पर आए हैं और चारपाइयों के हाल देखो, हमारी चारपाइयों का क्या हाल हो चुकी है, ये सारी खराब हो चुकी है, अब गीली हो चुकी हैं क्योंकि इधर रात को बच्चे जो ना इधर ही सोते थे ना इसी वजह से। तो अब रोज़ छत पर लेकर आया जा सकता और ना लेकर नीचे जाया जा सकता है। तो आज तो ये हो चुकी है बिल्कुल गीली और फिर जो है ना बारिश फिर से शुरू हो गई। ये देखें हल्की हल्की सी थोड़ी देर थमती है तो एकदम से फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है। हालांकि पक्की छत है और सुबह से बारिश बरस बरस के ना ये जितनी भी हमारी पक्की छत बनी है। तो मैं भी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो दराड़े पड़ी हुई है ना ये देखें, ये जो दराड़े पड़ी है ना इसकी वजह से जो है ना अंदर से छत के अंदर से पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, सेम हो रहा है जैसे बारिश होते होते ना सेम हो गया है। तो अभी साइड पर देखें ना कितने गहरे जो है ना बादल बन गए, कितनी गट बारिश जो है गट उठ रही है, पता नहीं फिर अब कितनी बारिश होनी। चले अभी जो है ना हमने जानवरों का तो इंतजाम कर लिया है, बारिश बरसती में हमने घास भी काटा है और उसका टोका भी बना, क्योंकि इस मौसम बारिश के मौसम में तो बिजली भी लाइट भी चली जाती है और जब लाइट चली जाती है ना तो बहुत मुश्किल होती है टोका बनाने, फिर लाइट कभी आ जाती है कभी चली जाती है कभी पूरा पूरा दिन भी नहीं आती। तो अभी जानवरों को तो हमने वैसे शुक्र है कि पहले जो है ना हमने जानवरों का इंतजाम किया खाने पीने का। तो अभी जो है ना हम चलते हैं और अपने खाने का इंतजाम भी करते हैं, ऐसा ना हो कि फिर रात हो जाए, बिजली तो होती नहीं है, अंधेरे में फिर ऐसे ऐसे हाथ पाँव मारते रहे कि कहाँ जाएंगे। तो हाँ तो माशाल्लाह से अभी जो है ना हम आए हैं, जल्दी जल्दी से खाना बनाया है तो इसीलिए ज़्यादातर शेयर नहीं कर सके क्योंकि बारिश हो रही है ना ऊपर, तो इसीलिए। तो ये देखें माशाल्लाह से अभी मैंने सालन तैयार करके रख दिया है और मैंने आज बनाया है गंवार और मज़ेदार, बड़े ही खुशबूदार, बड़ा ही मज़ेदार, हमारे अपने इलाके से लिया है गंवार और आज मैंने अच्छी सी सब्ज़ी बनाई है गंवार की। तो अभी तंदूरी भी मैंने आग जला दी है और ये भी तकरीबन गर्म होने वाली है और मैंने आटा भी बना के रख दिया है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ, रोटियाँ बना के जल्दी जल्दी से जो है ना बच्चों को बुलाते हैं। अभी आप लोग आवाज़ सुन रहे हो क्योंकि छत पर जो है ना हमारा शेपर डला हुआ है, तो अभी बारिश हल्की हल्की सी बाहर हो रही है तो ऐसे ही बूंदा बांदी सुबह से हो रही है। तो अभी भी पता नहीं कितनी देर और बारिश बरसती है, अगर बारिश का इंतज़ार करते रहते कि बारिश थम जाएगी फिर काम शुरू करें तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए हमने बारिश के दरमियान में ही बारिश के बीच में ही सारा काम ख़त्म कर लिया है, जानवरों का भी काम ख़त्म कर लिया है और माशाल्लाह से हमने अपना खाना भी बना लिया है। अभी बच्चे जो है ना बाहर साथ में गए हुए हैं हमसायों के घर तो उनको बुलाते हैं। अल्लाह से ये देखे तंदूरी हमारी गर्म हो चुकी है और मैं रोटियाँ बनाती हूँ। वैसे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जितनी भी कोशिश कर लें चारों तरफ से इस किचन में पानी आता है तो ये देखें हमारी लकड़ियाँ जो है ना बिल्कुल गीली हो चुकी हैं। तो खुश्क लकड़ियाँ जो है ना मैंने जानवरों के कमरे में रखती हूँ क्योंकि वो फारिग पड़ा हुआ है ना, तो जानवर इस मौसम में अंदर तो बांधे नहीं जाते ताकि ऐसे आग जलाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, मुश्किल ना हो। तो इसीलिए जब जो है ना आग जलानी होती तो अंदर से लेकर आते हैं लकड़ी, ताज़ी लकड़ी लेकर आते हैं आग जला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए रखते तो फिर वो गीली हो जाती है। अभी जो है ना पहले हवा नहीं चली हुई थी लेकिन अभी जो है ना आप तेज़ हवा भी चलना शुरू हो गई है। तो अभी खाना रोटियाँ बनाते हैं और मैं एक और बात है आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि इस साल जो हुआ सो हुआ, अब जो है ना जो होना था हो चुका, लेकिन अब जो है ना मैंने सोच लिया है कि सबसे पहला काम जो है ना मैं किचन का करूँगी क्योंकि पहले किचन बनवाएंगे, बगैर किचन के कुछ भी नहीं होता, घर का सारा काम ऐसे का ऐसे ही रहता है। अगर इधर मेरा किचन मुकम्मल होता ना तो अब मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी, इधर सेट करके रख देती और फिर जो है ना मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। अब जो है ना मुझे जल्दी जल्दी से खाना बना के सारे बर्तन जो है ना मुझे उठा के अंदर रखने पड़ते, इसीलिए मुझे सारे बर्तन उठा के अंदर रखने पड़ते हैं और फिर सुबह जो है ना दोबारा से अंदर लेकर आने पड़ते हैं और इधर किचन में बैठकर खाना बनाना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो रही है, तो इस मुश्किल का हाल जो है ना इस साल मैं जल्दी से निकालूंगी और पहले सबसे पहला काम जो है मैं किचन का बनवा करूँगी। आगे सब बच्चे जल्दी जल्दी से बैठो खाना खा लो, बारिश आ रही है, अगर ज्यादा बारिश होगी तो फिर खाना नहीं खा सकोगे, ठीक है। हाँ तो माशाल्लाह से अभी मैंने रोटियां बना दी है, मैं रोटियां बना रही हूँ गरम गरम और बच्चे जो है ना बैठ कर सुकून से खा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना बना खाना खा लो
अंदर भी लेकर जाए तो उधर भी लाइट नहीं है, अंधेरा है कमरों में भी, तो मैंने सोचा कि इधर अभी जो है ना इतना ज्यादा अंधेरा नहीं है तो जल्दी जल्दी मैं रोटियां बना लेती हूँ और आप लोग खा लें। तो हमारा माशाल्लाह से काम बारिश में भी हमने जल्दी जल्दी से खत्म कर लिया है। वैसे तो आम रूटीन में तो काफी टाइम देर तक भी खाना बनाते रहते हैं क्योंकि फिर लाइट भी होती है और कुछ मुश्किल नहीं होती, लेकिन आज बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारा इंतजाम किया है। हाँ, तो माशाल्लाह से अभी हमने सारा काम खत्म कर लिया है, बच्चों को खाना भी खिला दिया है और सारे बर्तन भी हमने समेट लिए हैं। तो अभी मैं बाहर ही हूँ, मेरी बकरियाँ उधर खड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा है कि उनको भी खोल के जानवरों के साथ बांध दूँ, फिर जो है ना अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी अभी मगरिब की अजान तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अंधेरा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ बादल बने हुए ना इस वजह से। और कोयल कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ अभी सुनाई दे रही है, कू कू कर रही है कोयल। तो माशाल्लाह से इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अब पता नहीं बारिश कितने दिन रुकने वाली है, क्योंकि हमारे सराकी की ज़बान में एक कहावत है कि जुम्मे दी जड़ी दी आठ तरीका दी खड़ी। बारिश का कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों से हमें चाहती है इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।